हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल क्या होता है और आप कैसे इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारी रेवेन्यू मॉडल की सीरीज का आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैंने बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताया है आपको, जैसे कि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मॉडल, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, फ्रीमियम रेवेन्यू मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग रेवेन्यू मॉडल, डोनेशन रेवेन्यू मॉडल, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू मॉडल, और आज बारी है डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करने की। सो माय डियर फ्रेंड, डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? देखिए, बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे आसपास में ही है जो कि डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल पे काम करती है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ये तो बड़ी कंपनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल काम कैसे करता है? डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल इस तरीके से काम करता है कि आप कि एप्लीकेशन में जो यूजर का डेटा है, डेटा मतलब कि जब हम मैं डेटा की बात करता हूँ तो वहाँ पे ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड, ये इसको डेटा नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूजर का नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब डेटा है, ये डेटा नहीं है, इसको डेटा नहीं बोलते। डेटा मतलब कि आप किसी यूजर के बारे में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जानते हो, बिहेवियर जानते हो, किस टाइप का मैं बंदा हूँ, क्या चीज़ों को लाइक करता हूँ, कब खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ, दिस इज़ द डेटा। समझ रहे हो? डेटा का मतलब ये नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि ईमेल आईडी, पासवर्ड मिल गया ये डेटा है, ईमेल आईडी, नेम मिल गया ये डेटा है, मोबाइल नंबर डेटा है। नहीं, ये भी डेटा है, लेकिन इसका क्या मोनेटाइज कर सकते हैं आप? मोबाइल नंबर को मोनेटाइज कर सकते हो? ईमेल आईडी को मोनेटाइज कर सकते हो? नहीं। आप क्या मोनेटाइज कर सकते हो? मेरे बिहेवियर को मोनेटाइज कर सकते हो, मेरे इंटरेस्ट को मोनेटाइज कर सकते हो, मेरे प्रोफेशन को मोनेटाइज कर सकते हो। समझ रहे? मैं क्या सर्च कर रहा हूँ उसको मोनेटाइज कर सकते हो, मेरी क्वेरी क्या है इसको मोनेटाइज कर सकते हो, ना कि मेरे ईमेल आईडी, फोन नंबर को मोनेटाइज कर सकते हो। फोन नंबर ये कोई डेटा मोनेटाइजेशन में नहीं आएगा। ओके, अभी जैसा कि फेसबुक है, फेसबुक पे आप बहुत ज़्यादा डेटा है, आप क्या लाइक करते हो ये डेटा है उसके पास। आप डॉग लाइक करते हो कि कैट लाइक करते हो, फुटबॉल लाइक करते हो कि क्रिकेट लाइक करते हो, क्या लाइक करते हो? अगर आप क्रिकेट लवर हो, देन अगर मुझे अगर कोई क्रिकेट का बैट सेल करना है तो मैं आपको ऐड दिखाऊंगा। मैं गूगल फेसबुक पे पास जाऊंगा, भाई क्रिकेट लवर्स को ये बैट की मेरी ऐड दिखा दो। तो फेसबुक के पास डेटा है, उस डेटा को वो मोनेटाइज कर रहा है, मतलब कि वो आपको ऐड दिखा रहा है, जिसके बदले वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजर से पैसे ले रहा है। दिस इज डेटा मोनेटाइजेशन। तो गूगल फेसबुक तो मालूम ही है सब कैसा है, लेकिन मैं और भी बताता हूँ कि और भी बिजनेसेस कैसे डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जोमेटो का एग्जांपल ले लो। जोमेटो आपने देखा होगा, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। आपको क्या लगता है केवल वो फूड डिलीवर करके पैसे कमाते हैं? नहीं, उनके पास डेटा इस बात का है कि कौन से एरिया से कौन सा फूड ज़्यादा बिकता है, किस टाइप का फूड ज़्यादा बिकता है। समझ रहे हो बात को? पिज्ज़ा कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है, बर्गर कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है, ओके, पनीर कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है, पनीर की सब्ज़ी कहाँ ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनके पास डेटा है कि किस ग्रुप के लोग कौन सा फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी को एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो जोमेटो उनको का मदद करता है, उस डेटा के थ्रू वो उनको बताता है, रिकमेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप का रेस्टोरेंट डालो, यहाँ पर वेज वाले ऑडियंस ज़्यादा है, यहाँ पर नॉन वेज वाली ऑडियंस ज़्यादा है। ये डेटा किसके पास है? ये जोमेटो के पास है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर आ रहा है, उसको मालूम है कि किस एरिया से किस टाइप के फूड का ऑर्डर ज़्यादा आता है। तो है ना उनके पास डेटा, उसको मोनेटाइज किस तरीके से कर रहे हैं, वो दूसरे रेस्टोरेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड करके अपने डेटा के थ्रू रिकमेंड करके मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब उस डेटा को रिकमेंड करने के लिए, उस डेटा के थ्रू जो रिजल्ट निकल के आया है उसको दूसरे रेस्टोरेंट को बताने के लिए वो पैसे लेंगे उनसे। तो ये हो गया डेटा मोनेटाइजेशन। समझ रहे? और देखिए एक एप्लीकेशन और चलिए, जैसे कि KhataBook App है। KhataBook App फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझ रहे? फ्री ऑफ कॉस्ट है KhataBook App, लेकिन वो फ्री में क्यों दे रहे हैं आपको, क्यों कंपनी आपको इतना डेवलपर को बैठाई है, एसएमएस का कॉस्ट लग रहा है, डेवलपमेंट का कॉस्ट लग रहा है, सर्वर का कॉस्ट लग रहा है, लेकिन वो आपको क्यों दे रहे हैं फ्री में? वो आपसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप देख जानना चाहते हैं कि आप क्या ट्रांजेक्शन करते हो, आपका मतलब बजट क्या है, मतलब वो सारे डेटा जब उनके पास रहेंगे, आप उनके एक लॉयल कस्टमर बने रहेंगे, देन वो क्या करेंगे, दूसरा कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसके बेस पे कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हैं, एंड वहाँ से क्या होता है, उनका रेवेन्यू स्टार्ट होता है। एंड दूसरा चीज़ ये भी रहता है, यहाँ पर इस टाइप की एप्लीकेशन का जो डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे कि कोई ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आया बोला KhataBook को कि भाई मैं आपको ख़रीदना चाहता हूँ,
अब फ्लिपकार्ट को खाता बुक में इंटरेस्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट को उसके पास जो डेटा है, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना मतलब जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो खाता बुक के पास है। फ्लिपकार्ट इसको खरीद लेगा, खरीद के इसका जो डेटा है उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा, समझ रहे हो बात को, उस डेटा को अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। तो ये होता है डेटा मोनेटाइजेशन। आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, आपके पास अच्छे खासे डेटा है, और डेटा का मतलब ये नहीं कि आपके पास ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नेम है, ये डेटा नहीं है, ओके, ये तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो आपके पास एक ऐसा डेटा है जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का बिहेवियर मालूम पड़ सके, जिसको मोनेटाइज किया जा सके, ओके। देन यहाँ पर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट निकाल के अपना मतलब यानी वो कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजर को बुला के आप कर सकते हो, या फिर कोई दूसरी कंपनी आके आपको खरीद लेगी और आपके डेटा को वो अपने कंपनी में यूज करेगी। तो ये होता है डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा मोनेटाइजेशन वाली एप्लीकेशन किस टाइप से बनाई जाती है, ओके, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल बिगिनर्स के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है बिगिनर्स के लिए। अगर आपके पास लिमिटेड फंडिंग है और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से ही आप प्रॉफिटेबल रहो, देन ये सारा बिजनेस मॉडल आप फॉलो मत करना, समझ रहे, ये बिजनेस मॉडल आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म के सोच के चलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म आने वाले 5 साल में मेरा ऐसा ऐसा रेवेन्यू होगा, या फिर 5 साल में मुझे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी खरीद लेगी, या फिर 5 साल में मैं कोई एक नया प्रोडक्ट निकालूंगी जिसके थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा, या फिर 5 साल में मेरे पास इतने मिलियंस ऑफ यूजर हो जाएंगे जहां पर मैं एडवर्टाइजर को बुलाऊंगा अपनी ऐप पे और एडवर्टाइज करा के पैसे कमाऊंगा। तो ये उन लोगों के लिए है, ओके। आप मतलब कॉमन पर्सन हो, देन यहाँ पर डेटा मोनेटाइजेशन के ऊपर मत जाना, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी, अगर आपको जाना ही है तो आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और ऐसे एल्गोरिदम के साथ बनानी पड़ेगी जहां पर आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर सको, लोगों का बिहेवियर जान सको, समझ रहे। और डेटा मोनेटाइजेशन में आपको अपनी एप्लीकेशन मोस्टली फ्री रखनी पड़ती है। फ्री इसलिए रखनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ऐप पर आके यूज करें। जितने ज़्यादा लोग ऐप यूज करेंगे उतना ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट कर पाओगे, जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा तो मोनेटाइज कर पाओगे ना, समझ रहे। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेटा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों ये पूरी जो सीरीज थी रेवेन्यू मॉडल की सीरीज, ये मैं केवल इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है। वो एप्लीकेशन बनाना तो चाहते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे वो अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकें, कैसे वो अपनी ऐप से पैसे कमा सकें। क्योंकि आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है मार्केट में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, जैसे कि डेटा मोनेटाइजेशन वाला मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन को यूज करने देती है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार मैं भी इनकी जैसी एप्लीकेशन बनाऊंगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाए जाए। एप्लीकेशन बना तो लेते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं होता कि अगर मेरी इस टाइप की एप्लीकेशन है उसके लिए कौन सा रेवेन्यू मॉडल बेस्ट फिट रहेगा। तो ये जो प्लेलिस्ट बनी है इसमें 8-9 वीडियोस हैं, ये आपकी लाइफ चेंज करेंगे। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, देन ये वीडियोज आप देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी यार दोस्तों ये वीडियोस। कभी भी अगर आपको एप्लीकेशन का आइडिया आए, देन ये भी सारी वीडियोज़ को देख लेना और एनालाइज करना कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू मॉडल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ओके। यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियोज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाई है और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है इस सारी वीडियोस पे। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर ये पूरी मेहनत आपको मेरी पसंद आई है, देन ये वीडियो को लाइक कर दो, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार आपको पसंद आया है, जो भी आप मैंने एफर्ट किया है आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, जस्ट लाइक कर दो। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, ओके। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।